आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज बबल शॉट। इस वीडियो में हम आपको बबल शॉट के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको बबल शॉट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि बबल शॉट क्या होता है, किसे कहते हैं, राइट एल्गोरिदम फॉर बबल शॉट एंड प्रोसीज्योर। बबल शॉट किस प्रोसेस पे अपने एलिमेंट को शॉट करता है, उस प्रोसेस को भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बबल शॉट के बारे में आपको जानना चाहिए। तो बबल शॉट क्या होता है? बबल शॉट अरेंज एन नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स। बबल शॉट क्या करता है? एरे में जो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अरेंज करता है बाय प्लेसिंग द बिगेस्ट एलिमेंट ऑन प्रॉपर पोजीशन। जो भी हमारे एरे में एलिमेंट्स होंगे तो उनमें जो बिगेस्ट एलिमेंट होगा उसे उसके प्रॉपर पोजिशन पर ये प्लेस कर देगा, यानी इसको पोजिशन चेंज करके शॉर्ट करेगा एलिमेंट को। और जब प्रॉपर पोजीशन पे हमारा बिगेस्ट एलिमेंट शॉर्टिंग होने के बाद पहुंच जाएगा तो बबल शॉर्ट का काम ख़त्म हो जाएगा, शॉर्टिंग हो जाएगा। तो ये क्या करता है? इट ऑलवेज अरेंज द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डेटा को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। तो सपोज़ एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं कि कैसे ये डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। तो एग्जाम्पल के लिए एक एरे बनाते हैं हम। तो ये हमारा डेटा टाइप है जिसका टाइप इंट है, और एरे में हम 5 एलिमेंट्स लेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे हमारा 5 एलिमेंट्स 7 6 3 4 1 3 4 1। तो ये हमारा 5 एलिमेंट्स एरे के हो गए हैं। सॉर्टिंग होने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट इसका आएगा जो हमें सॉर्ट होने के बाद मिलेगा 1 3 4 6 7। तो ये रिजल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आया है, जबकि हमने डेफिनेशन में आपको बताया है कि ये हमेशा डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोसेस करता है डेटा को, जो बिगेस्ट एलिमेंट होते हैं उन्हें प्रोसेस करके डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है। लेकिन फाइनली जब रिजल्ट प्रिंट होता है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो ये कैसे अपने एलिमेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोसेस करता है, चलिए उस प्रोसीज्योर को आपको बताते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको जानना चाहिए कि किस प्रोसेस पे ये डेटा को प्रोसेस करता है, सॉर्ट करता है। तो प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले हम अपने एरे के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स है 7 6 3 4 1। ये 5 हमने रेंडम नंबर ले लिया है कुछ भी। तो सबसे पहले बिगेस्ट एलिमेंट जो एरे का है उसे कंपेयर करना स्टार्ट करेगा ये। तो ये अपने नियरेस्ट एलिमेंट से कंपेयर करेगा सबसे पहले। अगर नियरेस्ट एलिमेंट 6, अगर 6 7 के बीच अगर कंपेयर हो रहा है तो 7 अगर 6 से बड़ा है तो ये अपने प्लेस को चेंज कर देगा। तो नेक्स्ट लाइन में हमें रिजल्ट मिलेगा 6 7, इन दोनों ने प्लेस चेंज किया, और 3 4 1। ये हमारा अभी का स्टेप है। फिर हम इसी प्रोसेस को करेंगे तो अभी कंपेरिजन होगा 7 और 3 के बीच में। तो अब हमारा रिजल्ट होगा 6 3 7 4 1। तो ये हमारा अभी का रिजल्ट है जो प्रोसेस होके आया। अब ये क्या प्रोसेस करेगा? 7 और 4 के बीच में कंपेरिजन होगा। तो 4 7 से छोटा है तो 4 का पोजीशन 7 के पास होगा, और 7 का पोजीशन 4 के पास चला जाएगा, और 1 वहीं पे रहेगा। तो अब हमारा लास्ट कंपेरिजन है 7 और 1 के बीच। तो 1 से बड़ा है 7, तो 7 और 1 अपने प्लेस को चेंज करेंगे। तो 7 की जगह 1 और 1 की जगह 7, और ये एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे। तो एरे का जो बिगेस्ट एलिमेंट था 7, वो हमारा प्रोसेस हो के बाहर निकल जाएगा सॉर्टिंग के लिए। यहाँ पे 7 हमारा प्रोसेस हो के आ गया। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में आपको बताया था कि अगर एन नंबर ऑफ आपके एरे में है तो जो भी बिगेस्ट एलिमेंट होगा आपके एरे में उसे ये सॉर्ट करके प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचा देगा। तो यहाँ पे 7 सॉर्टिंग होके इसका काम हो गया है। अब हमारे पास 4 आइटम्स बचे हैं 6 3 4 1। अब इन 4 के बीच सेम प्रोसेस से कंपेरिजन होगा। सबसे पहले 6 और 3 के बीच हम कंपेयर करेंगे। तो 6 3 से बड़ा है तो प्लेस चेंज करेंगे ये दोनों, 4 1 एज इट इज़ रहेगा। सेम थिंग अब 6 और 4 के बीच कंपेरिजन होगा, 6 4 से बड़ा है, फिर से प्लेस चेंज करेंगे दोनों, और 3 1 हम ऐसे ही लिखेंगे। अब कंपेरिजन होगा 6 और 1 के बीच,
तो ये दोनों भी अपने प्लेस को चेंज करेंगे क्योंकि 6 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 अपने प्रॉपर पोजीशन पे पहुँच गया है। तो अब 6 बाहर आएगा शॉर्टिंग होने के बाद। ये 2 स्टेप्स हुए, इसी तरह और स्टेप्स होंगे जब तक एलिमेंट पूरे शॉर्ट नहीं हो जाते। तो अभी हमारे पास 3 एलिमेंट्स बचे हुए हैं। अब कंपेरिजन होगा 3 4 के बीच। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच जब कंपेरिजन होगा फर्स्ट टाइम, तो 3 और 4 एज इट इज़ उतर जाएगा, क्योंकि 3 और 4 एज इट इज़ उतर जाएगा क्योंकि 4 जो है 3 से बड़ा है। तो 4 तो पहले से ही अपने पोजीशन पे है, तो इस केस में हम पहले 3 और 4 को एज इट इज़ लिख देंगे, जैसे नीचे में हम लिखेंगे 3 4 और 1। तो अब कंपेरिजन हम करेंगे 4 और 1 के बीच। तो यहाँ पे 1 से बड़ा 4 है, तो ये प्लेस चेंज करेंगे आपस में, और 3 हमारा यहीं पे एज इट इज़ रहेगा। जबकि उस केस में क्या हुआ था कि 4 यहाँ पे 3 से बड़ा था, इसीलिए इन दोनों ने प्लेस को चेंज नहीं किया। प्लेस वहीं पे चेंज करेंगे जहाँ पे एलिमेंट्स बिगर होंगे, जैसे 1 यहाँ पे स्मॉल है, 4 यहाँ पे बड़ा है, तो ये प्लेस चेंज करेंगे। लेफ्ट साइड वाला अगर बड़ा होता है तो प्लेस चेंज करना है, राइट साइड वाला छोटा होना चाहिए। अब हमारे पास 4 जो है शॉर्टिंग होने के बाद बाहर निकल जाएगा। अब रिमेनिंग एलिमेंट से हमारे पास 3 1, ये 2 एलिमेंट्स हमारे पास बचे हैं फोर्थ स्टेप के लिए। तो इनके बीच अब कंपेरिजन होगा, तो कंपेयर होगा, 1 से बड़ा है 3, तो ये दोनों आपस में प्लेस चेंज करेंगे। तो 3 भी अपना पोजीशन शॉर्टिंग के बाद चेंज करके निकल जाएगा। अब हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट बचा हुआ है विच इज़ 1। तो 1 अकेले में कंपेरिजन नहीं करेगा, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो ये एलिमेंट सारे अब प्रिंट होने के समय लोअर से अपर केस में प्रिंट होंगे, यानी प्रिंटिंग के टाइम एलिमेंट हमें रिजल्ट में मिलेगा 1 3 4 6 7, ये हमें रिजल्ट में मिलेगा। तो रिजल्ट देखने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन प्रोसेस कैसे हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा डेटा, जो हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इट ऑलवेज अरेंज डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले 7 निकला बिगेस्ट एलिमेंट, फिर 6, फिर 4 3, उसके बाद 1। तो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स सॉर्टिंग होने के बाद एरे से बाहर आए, लेकिन प्रिंटिंग के समय रिवर्स केस में एलिमेंट प्रिंट हुआ, जिसके चलते रिजल्ट में 1 3 4 6 7 प्रिंट में मिला, जो कि असेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा। अब इसी प्रोसेस के ऊपर, इसी प्रोसीजियोर के ऊपर एक एल्गोरिदम है, बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम। तो चलिए बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम आपको बताते हैं। तो अब हम एल्गोरिदम लिखेंगे बबल सॉर्ट का। तो एल्गोरिदम हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। एल्गोरिदम का डेफिनेशन ही है स्टेप बाय स्टेप डिटेल डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एल्गोरिदम। तो स्टेप 1 में बिगिन, यानी एल्गोरिदम स्टार्ट होगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे। तो हम लिखेंगे इनपुट, आप यहाँ पे सेट भी लिख सकते हैं A5। हमारा एरे में 5 एलिमेंट्स होंगे, तो ये 5 एलिमेंट्स 0 से 4 एरे इंडेक्स के बीच में होंगे। ये एरे का इंडेक्स है 0 से 4, इन्हीं के बीच 5 एलिमेंट्स रखे हुए हैं एरे में। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, एक लूप वेरिएबल लेंगे। तो हम लिखेंगे सेट, SET, सेट आई, आई का इनिशियल वैल्यू हम 3 सेट करते हैं। 3 इसलिए सेट किया है, हम आपको आगे बताएंगे कि ये 3 हमने क्यों लिखा है। स्टेप 4 में हम लूप यूज़ करेंगे, तो हम वाइल लूप का यूज़ करके एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लिखेंगे रिपीट स्टेप, जो भी आने वाले स्टेप्स होंगे 4 to 9, ये रिपीट होंगे आने वाले स्टेप, क्योंकि ये लूप बॉडी के स्टेप होंगे और लूप हमेशा रिपीटेड टास्क को परफॉर्म कराता है, इसीलिए 4 to 9 स्टेप रिपीट होगा, जो कि लूप बॉडी के इनसाइड में रहेगा। यहाँ पे लूप कैसे चलेगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब बताते हैं आई की इनिशियल वैल्यू हमने 3 क्यों सेट किया। आई का वैल्यू अभी 3 है, 3 greater than equal to 0, यानी ये लूप 4 times एग्जीक्यूट होगा। तो जब लूप 4 times एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे एरे में जो 5 एलिमेंट्स है
उनमें से चार एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। जब चार एलिमेंट अपने आप सॉर्टेड ऑर्डर में हम लूप के थ्रू अरेंज कर देंगे, तो जो पांचवा एलिमेंट है वो ऑटोमेटिक सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा। जैसा कि हमने आपको प्रोसीजर में बताया कि लास्ट में जो वन रिमेनिंग रह गया था वो सॉर्टेड ऑर्डर में पहले से ही था। तो अब हम स्टेप फाइव लिखेंगे। स्टेप फाइव में हम क्या करेंगे, एक और लूप वेरिएबल हम लेंगे। तो हम लिखेंगे सेट जे इक्वल टू जीरो, जे एरो जीरो। एल्गोरिदम में हम इक्वल टू को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जे की इनिशियल वैल्यू जीरो है, जीरो क्यों है इसे भी हम आपको बताएंगे। तो स्टेप सिक्स में हम एक और लूप का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे रिपीट स्टेप सेवन एंड एट। ये सेवन और एट जो भी स्टेप होंगे ये रिपीट करेंगे, क्योंकि ये लूप बॉडी के स्टेप होंगे, आउटर लूप के स्टेप होंगे, इनर लूप के स्टेप होंगे, जो कि हम अभी लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे व्हाइल जे लेस देन इक्वल आई। तो जे की इनिशियल वैल्यू जीरो इसलिए लिखी क्योंकि आप कंपेयर करेंगे, जीरो लेस देन इक्वल थ्री। तो यहाँ पे ये लूप भी फोर टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। जब लूप फोर टाइम्स चलेगा तो एरे में फोर एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, और जो लास्ट एलिमेंट बचेगा जो कि वन होगा, जो प्रोसेस में बचा था, वो ऑटोमेटिक सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा। तो यहाँ पे स्टेप सिक्स हमने लिख दिया। अब स्टेप सेवन में हम क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे, कंडीशन देंगे एक। तो हम लिखेंगे इफ एरे जे ग्रेटर देन एरे जे प्लस वन। इसको ट्राई रन हम करेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं हम, तो क्या होगा, देन स्वैपिंग करेंगे हम। तो एक टेम्प्ररी वेरिएबल ले लेते हैं हम। तो हम लिखेंगे सेट टेम्प एरे आई, यानी जो भी एरे आई का वैल्यू होगा एरे जे, क्योंकि हमारा इनर लूप जे वाला लूप है, इसीलिए एरे जे से हम सॉर्टिंग करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। तो एरे जे का वैल्यू टेम्प में चल जाएगा, और एरे जे प्लस वन का जो वैल्यू होगा वो एरे जे में जाएगा। इसी तरह एरे जे प्लस वन एरो टेम्प, यानी टेम्प का जो वैल्यू होगा वो एरे जे प्लस वन में स्टोर होगा। तो हमने स्वैपिंग परफॉर्म करा दिया स्टेप सेवन में। स्टेप एट में हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जे का इनिशियल वैल्यू जीरो था, तो जीरो से लेके थ्री तक ये लूप चलेगा, तो जे का वैल्यू इंक्रीज करना है। और स्टेप नाइन में हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे, क्योंकि आई का वैल्यू थ्री था, तो थ्री टू वन जीरो, फोर टाइम्स ये लूप भी एग्जीक्यूट होगा, तो इसे डिक्रीज करना है। अब हम स्टेप टेन लिखेंगे। स्टेप टेन में क्या होगा, हमारा एरे का जो एलिमेंट है वो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट में मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रिंट एरे फाइव, जो भी एरे का एलिमेंट है सॉर्ट होके हमें प्रिंट में रिजल्ट में मिल जाएगा। ये स्टेप टेन था। अब स्टेप इलेवन में क्या होगा, एग्जिट, यानी हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया यहाँ पे, कि कैसे बबल सॉर्ट अपने एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है। चलिए इस एल्गोरिदम को ड्राई रन करके आपको समझाते हैं कि कैसे काम कर रहा। सबसे पहले एरे में हम फाइव एलिमेंट्स लिख लेते हैं, सेवन सिक्स थ्री फोर वन, ये वही नंबर है जो हमने प्रोसीजर में आपको लिख के बताया था कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले लूप एग्जीक्यूट होगा। तो स्टेप फोर में हमारा लूप है आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी आई का वैल्यू थ्री है, थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कंडीशन ट्रू। कम इनसाइड, जे का वैल्यू जीरो है, अब इनसाइड वाला लूप चलेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई, यानी जीरो लेस देन इक्वल टू थ्री, ये भी ट्रू हो गया। तो अब क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे, एरे जे यानी एरे जीरो ग्रेटर देन एरे वन, क्योंकि जे प्लस वन मतलब वन, तो यस एरे जीरो ग्रेटर देन एरे वन। तो यहाँ पे क्या होगा, स्वैपिंग होगा, जो भी एरे जे का वैल्यू है वो एरे जे प्लस वन में चल जाएगा, और एरे जे प्लस वन का एरे जे में चल जाएगा। तो यहाँ पे सिक्स और सेवन अपने प्लेस को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे सेवन की जगह सिक्स आएगा और सिक्स की जगह सेवन, उसके बाद थ्री फोर वन एज इट इज रहेंगे। फिर जे का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो जे का वैल्यू इंक्रीज करते हुए होगा वन, वन लेस देन इक्वल टू थ्री कंडीशन ट्रू। फिर से एरे वन ग्रेटर देन एरे टू, क्योंकि जे का वैल्यू वन था, तो एरे वन में सेवन है,
अरे टू में थ्री है, फिर से कंडीशन ट्रू, तो अब ये भी प्लेस चेंज करेंगे, थ्री और सेवन बाकी एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे। अब फिर हम जे के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जे का वैल्यू हो गया टू, टू लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू। तो एरे टू ग्रेटर देन एरे थ्री, तो एरे टू में अभी क्या है, एरे टू में है सेवन, एरे थ्री में है फोर, तो यहाँ पे फिर से कंडीशन ट्रू ग्रेटर देन हो गया, तो फिर से स्वैपिंग होगा और सेवन और फोर अपने पोजीशंस को चेंज करेंगे, स्वैप करेंगे आपस में, तो यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे। अब फिर से लास्ट कंडीशन हम चेक करेंगे जे की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए, तो जे का वैल्यू इंक्रीज होके थ्री होगा, थ्री लेस देन इक्वल थ्री, कंडीशन ट्रू। तो अब क्या होगा, एरे थ्री ग्रेटर देन एरे फोर, यानी सेवन वन से बड़ा है, यस, कंडीशन ट्रू। तो अब क्या होगा, सेवन और वन अपने पोजीशन को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल नंबर 6 3 4 1 7। तो यहाँ पे सेवन जो बिगेस्ट एलिमेंट था हमारे एरे का, वो फाइनली सॉर्टेड होके राइट साइड में चला गया है, यानी ये एलिमेंट सबसे पहले निकलेगा एरे के, जो हमारा एरे में फाइव एलिमेंट्स है, इनमें से सबसे पहले सेवन बाहर आएगा और सेवन प्रिंट के लिए चल जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, तो जे का वैल्यू इंक्रीज होके फोर होगा, फोर लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन फॉल्स। तो अब कंडीशन फॉल्स होगा तो आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो आई का वैल्यू डिक्रीज करेगा यानी टू, तो आई का वैल्यू टू होगा। इसी तरह आप टू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री अगर होता है, तो स्टेप फोर से लेके नाइन तक के स्टेप रिपीट होंगे। यहाँ पे टू लिखेंगे हम, जहाँ पे एंड लिखा है यहाँ पे टू होगा, क्योंकि फोर से नाइन के स्टेप जो है वो सारे स्टेप्स रिपीट होंगे, और इसी तरह हमारे एलिमेंट्स सोर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को हमने आपको समझाया था। तो आई होप कि आपको एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा, आप खुद से ट्राई करिएगा इस एल्गोरिदम का यूज़ करके प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर इस एल्गोरिदम के ऊपर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके आपको दे दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।